हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर टाइम मेजरमेंट। बच्चों, आप सबको पता है कि टाइम हम देखने के लिए घड़ी का यूज़ करते हैं। तो घड़ी आप सभी ने देखी होगी। घड़ी में जनरली तीन हैंड्स होते हैं, तीन सुइयां होती हैं जो कि हमें आवर्स, मिनट्स और सेकंड बताती हैं। तो सबसे बड़ी जो सुई होती है वो हमें सेकेंड बताती है, और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी के दो हैंड्स होते हैं वो हमें आवर्स और मिनट बताते हैं। पूरी घड़ी जो है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम इस टेबल को देखते हैं। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर्स में एक दिन होता है 1 डे, और 7 डेज मिलकर 1 वीक बनता है, 4 वीक्स में मिलकर के 1 मंथ होता है, और 12 मंथ्स मिलकर के 1 ईयर बनता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, और 1 ईयर में 52 वीक्स, और 1 ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं। बच्चों, अलग अलग महीने में नंबर ऑफ डेज अलग अलग होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जनरली 1 मंथ में 30 डेज लेते हैं, और 1 मंथ में 4 वीक्स लेंगे, और 1 ईयर में 52 वीक्स लेंगे। तो अब हम यहाँ पर टाइम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दिखाई गई हैं जिसमें कि मिनट हैंड 12 पर है और आवर हैंड 2 पर। तो क्या टाइम बचा है? 2 o'clock। इसी तरह से जब दोनों सुई 12 पर है तो क्या टाइम बचा है? 12 o'clock। इसी तरह से 8:05 हुए हैं तो इसे हम 5 minutes past 8 या 5 past 8 भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग घड़ी के टाइम दिखाए गए हैं जिनको आप देख करके बता सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज में हम इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, यहाँ पर 8 o'clock हुआ है तो इसको हम 8:00 इस तरह लिखते हैं, या 8 o'clock लिख सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट में 4:10 हुआ है। इस तरह से हम इन घड़ियों के टाइमिंग्स को देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आपको घड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन में हैंड्स बनाने हैं। जैसे 11 बजे के लिए हम छोटी सुई 11 पे और बड़ी सुई 12 पे बनाएंगे। तो मिनट हैंड 12 पर और आवर हैंड 11 पर। तो इस तरह से 11 का टाइम बजाया। 10:15 में छोटी सुई 10 पर और बड़ी सुई 3 पर। इस तरह से हम इनमें यहाँ पर नीडल्स बना देंगे, सुइयाँ बना देंगे इन क्लॉक्स में। अब हम पढ़ते हैं AM और PM के बारे में। बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये 24 घंटे जो होते हैं ये अलग अलग पार्ट के टाइम में डिवाइड रहते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट। तो 12 o'clock जो दिन के बीच में 12 o'clock होता है उसे हम नून या मिड डे बोलते हैं, और रात के समय जब 12 बजता है तो उसे हम मिडनाइट बोलते हैं। तो इस तरह से 12 मिडनाइट नून और 12 मिडनाइट मिड डे, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो AM और PM, दिन के 12 बजे के बाद के समय को हम PM लिखते हैं, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच के समय को हम AM लिखते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें AM और PM लिखना है। तो 6:30 इन द मॉर्निंग, उसको हम क्या लिखेंगे? AM। 3 o'clock इन द इवनिंग, उसको हम PM, क्योंकि वो दिन के 12 बजे के बाद का समय है। इस तरह से हम अलग अलग टाइमिंग को पढ़कर उसमें AM और PM लिख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट टाइम के लिए सर्कल करना है। जैसे आई गेट अप एट 6 PM, नो, हम 6 AM को उठते हैं तो इसको हम सर्कल करेंगे। आई गो टू स्कूल एट 8 AM, सुबह के समय जाते हैं तो AM को सर्कल करेंगे। सन सेट एट 5:45 PM, शाम के समय छिपता है तो उस समय PM होता है। तो इस तरह से हम इनको सर्कल करेंगे। अब हम कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, कैलेंडर में सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और बच्चों, एक कैलेंडर में एक साल में 12 महीने होते हैं। हर एक महीने में अलग अलग दिन होते हैं, जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। तो इस तरह से यहाँ पर आप अलग अलग महीनों के नंबर ऑफ डेज को देख सकते हैं। अब लीप ईयर होता है बच्चों, हर एक 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर में जो वो साल होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसमें लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जबकि बाकी नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं।
अब हम टाइम का कन्वर्जन सीखते हैं. यहाँ पर 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो बच्चों 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट के लिए हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड हो गया. इसी तरह से मिनट्स और सेकंड्स को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें सेकंड प्लस कर देंगे. इस तरह से हम टाइम की यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे. अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको कन्वर्जन करना है. मिनट्स में कन्वर्जन करना है तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो जैसे 3 आवर्स में 3 × 60 यानी 180 मिनट होंगे. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60. तो 4 मिनट में कितने होंगे, 4 × 60 यानी 240 सेकेंड्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. जैसे 2 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 2 आवर इज इक्वल टू 120 मिनट होगा. 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होगा. इस तरह से आप यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पर आवर्स में कन्वर्ट करना है 6 डेज को. बच्चों आपको पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 6 डेज में कितने होंगे, 6 × 24 आवर्स. इसी तरह से यहाँ पर आपको वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है. जैसे 7 वीक्स में, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक में कितने होंगे, 7 × 7 यानी 49 डेज. मंथ्स और वीक्स, तो मंथ्स में 1 मंथ में 4 वीक हम लेते हैं, तो 3 मंथ में 3 × 4 यानी 12 + 2 14 वीक्स हो जाएंगे. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, जैसे कि इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है, तो 4 ईयर इज इक्वल टू 4 × 12 मंथ हो जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेज में कन्वर्ट करना है. 1 मंथ में 30 डेज हम लेते हैं, तो 5 मंथ में 5 × 30 डेज. इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसा जैसा बोला गया है हर एक पार्ट में आपको वैसा करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट में 6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 6 आवर में 6 × 60. इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं टाइम का. तो बच्चों 3 आवर्स प्लस 7 आवर्स क्या होगा, 10 आवर्स. इस तरह से मिनट में मिनट ऐड करेंगे, जिस यूनिट का है उस यूनिट्स में ही हम उसको ऐड करेंगे. अब जैसे आवर्स और मिनट्स हैं, तो इसमें हम आवर्स और मिनट्स ही ऐड करेंगे, तो 13, 15, 4 और 29. आवर के नीचे आवर और मिनट के नीचे मिनट्स लिखेंगे, तो 17 आवर्स 44 मिनट हमारा आंसर हो गया. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे जनरल सब्ट्रैक्शन की तरह ही. तो यहाँ पर अब थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह है, एडिशन है सिंपल टाइम का और सब्ट्रैक्शन है. फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर है, अक्ष केम टू स्कूल एट 7:25 AM और वो वहाँ पर 5 घंटे 25 मिनट रुका, तो उसने कितने बजे स्कूल छोड़ा. तो इसमें हम टाइम को ऐड करेंगे, 7:25 को आया उसमें हम 5:25 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या टाइम हो जाएगा, 12:50 को उसने स्कूल छोड़ा. तो इस तरह से हम इन लैंग्वेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. आप सबको पता है जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर क्या होता है, दिसंबर. इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो ये था बच्चों टाइम के बारे में. थैंक यू.